ચતુશ્લોકીના પાઠનું શ્રવણ કરાવશે. ત્યારબાદ પૂજ્ય શ્રી વ્રજાદીપજી લાલન બાવાના વચનામૃત થશે. ત્યારબાદ પૂજ્ય શ્રી વ્રજાદીપજી લાલન બાવા યમનાષ્ટકના ચોથા શ્લોક ઉપર વચનામૃત કરશે. અને ત્યારબાદ છેલ્લે સંવાદથી સમાધાન અંતર્ગત આપણા સૌના લાડીલા પૂજ્ય શ્રી હરિરાજી મહોદય શ્રી વચનામૃત કરશે અને આપને સૌને લાભાન્વિત કરશે. તો સૌ પ્રથમ હું પૂજ્ય શ્રી રસાલિકા બેટીજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ચતુશ્લોકીના પાઠનું શ્રવણ કરાવશે. વલ્લભાજી શકી જય, શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. આપ સૌ વૈષ્ણવજી પરમ દયાલ કી જય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રયવિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. તો મેં પૂજ્ય શ્રી બડે દાદા છોટે દાદા કે ચરણો મેં દંડવત પ્રણામ કરતી હું. તો આજ મેં આપકો ચતુશ્લોકી કા પાઠ સુનાને વાલી હું. આપ સબ ભી મેરે સાથ બોલના. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો રજાધિકો, સ્વસ્વાયેન ધર્મો હિ નાન્યક્વાપિ કદાચન, એવં સદાત્મ કર્તવ્યં ન એવ કરિષ્યતિ. પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિષ્ઠિં તથા ભજેત, તદી શ્રી ગોકુલાધીશો કુતો સર્વાત્મના રજે. અતો કિં પ્રમં ભૂમિ લોકી કૈવેદિ કૈરપિ, અતો સર્વાત્મના શશ્વત ગોકુલેશ્વર પાદય, ચરણં ભજનં ચાપિ ત્યાજમિતિ મે મતિઃ. તહિ ઇતિ શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિરચિતં चतुश्लोकी संपूर्णम. तो ये चतुश्लोकी का पाठ श्री महाप्रभु जी ने राणावास के लिए प्रकट किया था. तो हमें हर रोज चतुश्लोकी का पाठ करना चाहिए. वल्लभाधीश की जय. વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી અમને મહારાણી કી જય, શ્રી ગોપાલલાલ પ્યારે કી જય. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાય અદ્ભુત કર્મ ઉપનામ વિભેદેન જગત પ્રીડતિ યો યથ. પ્રભુ નંદ કુમારો મે સ્વામિની ઋષભાનુજા, તાર્થો વમ કૃતાર્થો વમ કૃતાર્થો વમ નશંશ, યચ્ચાનુકંપા વશતઃ સદર્લભમ માનોષ્યમાપ્તમ પરમસ્ય પુંસઃ. સર્વાર્થદં દીનદયાનુમેકં ગોપાલલાલં શરણમ પદ્ય. અત્યવિરાજમાન પરમ પૂજ્ય દાદા કે ચરણો મેં દંડવત પ્રણામ કરતા હું. ચિરાયુષ્માન રસાલિકા બેટીજી એવમ આપ સૌ વૈષ્ણવ, બડી પ્રસન્નતા કા વિષય હૈ કે હર સત્સંગ મેં દાદા આપકો શ્રી યમનાષ્ટક કે અર્થ શ્રી યમનાષ્ટક કે બારે મે બતા રહે હે. આજ મે
मुझको भी एक अवसर मिला है कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करूं। देखो, पुष्टि मार्ग में तीन स्वरूप मुख्य हैं। पहले श्री नाथ जी, दूसरे श्री महाप्रभु जी और तीसरे श्री यमुना जी। श्री महाप्रभु जी हमको अधरामृत का दान देते हैं और श्री महाप्रभु जी हमको कृपा का दान देते हैं और हमको श्री यमुना जी हमको भक्ति का दान देते हैं। श्री नाथ जी हमको अधरामृत का दान देते हैं और श्री महाप्रभु जी हमको कृपा का दान देते हैं और श्री यमुना जी हमको भक्ति का दान देते हैं। 84 वर्ष में उनकी वार्ता में कई प्रसंग यमुना जी के आते हैं, पर मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा। एक वैष्णव श्री यमुना नित्य नियम से श्री यमुनाष्टक को पाठ कर दो, श्री यमुना जी की सेवा कर दो और वो यमुना जी में कभी पाँव नहीं रखते। एक बार की बात है, श्री गोसाई जी के बालकों ने सोची के हम यहाँ की परीक्षा लेंगे, तो श्री गोसाई जी के बालकों ने वो वैष्णव को बुलायो और विश्राम घाट पे गए और वहां से नाव ली और वहां पे एक टापू जैसा आइलैंड जैसे तो वहां पे चले गए। और जैसे ही गए श्री गोसाई जी के बालकों ने कही के हम अभी आ रहे हैं, आके तेरको ले जाएंगे। तो श्री गोसाई जी के बालकों वापिस से विश्राम घाट पे आए और वहां पे आके छुप गए। तो वो वैष्णव को बड़ा ताप भयो, दुख भयो। जैसे ही वहां को दुख भयो, वहां पे श्री यमुना जी प्रकट हो गए। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। तो श्री यमुना जी को भक्तन को ताप कभी सहन नहीं हो गए और श्री यमुना जी ने बहुत सारे कमल प्रकट कर दिए और आज्ञा करी कि ये कमल पे पांव रखे तुम पार कर जाओ। तो वैष्णव कमल पे पांव रख के पार कर गयो और जैसे ही वहां पार करो श्री गोसाई जी के बालकों ने कही कि तुम्हारो यमुनाष्टक फलीभूत हुआ है, तुम्हारे ऊपर श्री यमुना जी ने कृपा करी है। तो वैष्णव अपन को श्री यमुनाष्टक बोलना चाहिए, 11 बार करना चाहिए। 11 बार नहीं हो तो 8 बार करना चाहिए, 8 बार नहीं हो तो 3 बार करना चाहिए, 3 बार नहीं हो तो 1 बार तो अवश्य करना चाहिए। तो बस सदा अपन श्री यमुना जी को आश्रय रखें। बस ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो श्री वल्लवादी शकी जय, यमुने महारानी की जय। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी जा रही। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री नवनीत लाल प्यारे की जय, श्री अमने महारानी की जय। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वताम् विदुर काशाय मुहुः योगिनाम्
निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यस्यानुकम्पा पश्यतस्तु दुर्लभम् मानोष्यमातम् परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकम् गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। उपस्थित आप सब पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए वैष्णववृंद, आइए हम श्री यमुना जी का यमुनाष्टक स्तोत्र का रसपान करें। गत सत्संग में हमने श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के तृतीय श्लोक के हमने दर्शन किए। शाचार्य जी ने श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के तीसरे श्लोक में श्री यमुना जी का धर्म एवं श्री यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप का आपने वहां पे वर्णन किया। तो आज हम सत्संग में श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के चतुर्थ श्लोक के दर्शन करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के चतुर्थ श्लोक का गान करें। अनंत गुण भूषिते शिव विरंजिते वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जल संश्रते मम मन सुखम भावय। तो अब इस श्लोक में शाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि यहाँ पे इस श्लोक में श्री यमुना जी के षट गुण धर्म का आपने यहाँ पे वर्णन किया है कि अनंत गुण भूषिते, अर्थात श्री यमुना जी आप अनंत गुणों से भूषित हैं। जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी आप अनंत गुणों से भूषित हैं, इसी प्रकार से श्री यमुना जी भी आप अनंत गुणों से भूषित हैं। श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए विविध रासोत्सव आदि लीलाएं करते हैं। रासोत्सव में ठाकुर जी आप दो दो गोपियों के बीच में आपने एक स्वरूप धारण किया, तो ऐसी अनेकों गोपियों के बीच में आपने अनंत स्वरूप धारण किए जिससे गोपियों का मनोरथ पूर्ण हो और गोपियां भी अनेक भाव वाली थी। कोई निर्गुण भाव वाली है, कोई सात्विक भाव वाली है, कोई राजसी नाम भाव वाली है, कोई तामसी भाव वाली है। तो जो भाव भक्त के अंदर होता है उसी भाव से उसके अनुसार श्री ठाकुर जी आप भक्त के साथ लीला करते हैं, उसको दर्शन देते हैं। इसी संदर्भ में वार्ता जी में भी ऐसे कई अनेक प्रसंग आते हैं। मैं आपको मुझे एक स्मरण आ रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा कि एक दिन की एक वैष्णव थी और उसके जो ठाकुर जी थे वह उसे बड़ी सानुभावता जताते, वह बाल भाव से सेवा करती तो उसके ठाकुर जी बड़ी सानुभावता जताते। तो एक दिन की बात है, दो बिलाड़ी झगड़ने लग गई, दो बिल्ली झगड़ने लग गई, तो उनके झगड़ने से श्री ठाकुर जी आप डर गए और वैष्णव से कहा कि माता या को भगा, मेरे को डर लग रहे हो है। तब वैष्णव ने वह बिल्ली को भगाया। फिर दूसरी बार वापिस आए, बिल्ली वापिस से झगड़ने लग गए, तो ठाकुर जी ने कहा कि माता मेरे को डर लग रहे हो या को भगा। तो वैष्णव ने यह शब्द कहे कि आपने तो व्रज लीला में पूतना जैसे राक्षस एक को वध कियो है, उनको उद्धार कियो है, तो आप यहां से डरो हो। तो यही शब्द सुनकर श्री ठाकुर जी उसे सानुभवता जनावनों
बंद कर दियो। तो यहाँ पे इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो भक्त के अंदर भावना होगी उसके अनुसार ठाकुर जी आ उसको दर्शन देंगे, उसके साथ लीला करेंगे। तो इसी प्रकार से श्री यमुना जी भी आप भक्त के भाव के अनुसार आप लीला करते हैं और उनके भक्त के मनोरथ को आप पूर्ण करने वाले। तो इसलिए आप अनंत गुण पुष्टे। और यहाँ पे शारदाचार्य चरण ने श्री यमुना जी के ऐश्वर्य गुण धर्म का आपने यहाँ पे वर्णन किया। और अब आगे शारदाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि शिवा विरंजी देव स्तुते, अर्थात श्री यमुना जी आप शिव विरंजी आदि देवताओं से पूजित, वह आपकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार से ठाकुर जी की शिव ब्रह्मा जी विरंचार मतलब ब्रह्मा, तो शिव ब्रह्मा आदि देवता और जिस प्रकार से ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसी प्रकार से श्री यमुना जी की वो स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और यहाँ पे श्री यमुना जी के वीर गुण धर्म का आपने यहाँ पे वर्णन किया। और अब आगे शारदाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि घना घन निभे सदा, अर्थात श्री यमुना जी आपका स्वरूप कैसा है कि घना घन अर्थात मेघवर्णीय श्याम स्वरूपा है आप। पूर्व में जैसे स्वयान बाबा ने हमको पुष्टि मार्ग के भगवत तीन जो तीन भगवत स्वरूप हैं उनकी बात बताई, और आप तीनों के स्वरूप देखिए, कृष्ण जी बाबा का स्वरूप कैसा है श्याम, शारदाचार्य जी का स्वरूप कैसा है श्याम, और श्री यमुना जी का स्वरूप कैसा है या श्याम स्वरूपा है। और तो और श्याम और श्याम रूप श्याम वर्ण को श्रृंगार रस का सूचक माना जाता है। तो घना घन अर्थात श्री यमुना जी आप श्याम स्वरूपा है, घना घन घन अर्थात मेघ। देखिए यहाँ पे मेघ के दो स्वरूप होते हैं, एक तो नील वर्ण मेघ और एक श्वेत वर्ण में। नील वर्ण कब होता है कि जब उसके अंदर जल भरा हुआ था तब वह नील वर्ण का होता है, और जब उसके अंदर जब वह जल से वह निवृत्त हो जाता है तब वह श्वेत वर्ण का हो जाता है। तो घना घन घन अर्थात मेघ और नील वर्ण को श्री ठाकुर जी के प्रागट्य के पहले नील वर्ण को बड़ा ही निंदनीय अप्रशंसनीय माना जाता था। और इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंध में जहाँ पे सुखदेव जी ने 8.5 श्लोकों में भगवान के प्रागट्य का वर्णन किया कि मंदम मंदम जलधरा जगुर्जरुन सागरम, कि जब आपका प्रागट्य हो रहा है ठाकुर जी का प्रागट्य हो रहा है तब मंदम मंदम जलधरा बादलों में से मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे वृष्टि हो रही थी, वो तेज वृष्टि नहीं हो रही थी क्योंकि बादल अपने नील वर्ण को अपने राहु उनके अंदर जो राहु हुआ जल है उसे बचाना चाहते थे। और इस पे इसी संदर्भ में श्री आचार्य जी दशम स्कंद की सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं कि बादल आज यह सोच रहे हैं कि आगे जाके कोई कवि भविष्य में जाके कोई कवि ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करे तब वह हमारा नाम लेगा मेघ वर्णम शुभांगम, तो वह हमारी उपमा देगा, और जब वह ठाकुर जी के स्वरूप के लिए हमारी उपमा देगा तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा यश भी बढ़ेगा। तो यह सोच के वह बादल अपने नील वर्ण को उनके अंदर रहा हुआ जो जल है उसे बचाना चाहते थे, इसलिए वहां पे मंदम मंदम जलधरा
अर्थात वहां पे धीरे धीरे वहां पे वृष्टि हो रही थी। तो इसी प्रकार से श्री यमुना जी का आपका स्वरूप भी मेघवर्णीय श्याम स्वरूप है। और यहाँ पे इस चरण में श्री यमुना जी के यश गुण धर्म का श्याचार्य चरण ने वर्णन किया। और अब आगे श्याचार्य आज्ञा करते हैं कि ध्रुव पराशराभिष्टदे, अर्थात ध्रुव पराशरादि ऋषि मुनियों को अभिष्ट फल देने वाली श्री यमुना जी हैं। अब इसी संदर्भ में हम विचार करें तो श्री यमुना जी ने ध्रुव जी को अभिष्ट फल कैसे दिया? तो वहां पे आप श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा देखें कि राजा उत्तानपाद जिनकी दो रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि, और सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव। तो एक दिन के बाद है, उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ था और उन्हें देखकर ध्रुव जी के मन में भी अपने पिता की गोदी में बैठने की इच्छा प्रकट हुई। तब वह अपने पिता की गोदी में बैठे जा ही रहा था तो इतनी देर में उनकी माता सुरुचि ने आके उन्हें रोका और बड़े ही कठोर शब्द बोले और यह कहा कि जा, सर्वप्रथम तू अपने तू वन में जाके तप कर, भगवान को प्रसन्न कर, और जब वह कुछ वरदान मांगने को कहे तब यह वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। तो यह कठोर शब्द सुनकर ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। वह रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए और सुनीति ने कहा कि तेरी माता सत्य कह रही है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना तो मनुष्य का परम धर्म है। तो जा, तू वन में तप कर और भगवान को प्रसन्न कर, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। तो अपनी माता की आज्ञा से ध्रुव जी वन को तप करने चले और रास्ते में उनको नारद जी का संग हुआ और नारद जी ने उन्हें द्वादश अक्षर मंत्र दान किया और उनसे दीक्षित किया और कहा कि तू मधुवन में श्री यमुना जी के तट के ऊपर बैठकर ठाकुर जी की तप करना, को प्रसन्न करना। तो अपनी गुरु की आज्ञा से ध्रुव जी मधुवन में श्री यमुना जी के तट पे बैठकर उन्हें 6 मास में उनको श्री ठाकुर जी के दर्शन हो और ठाकुर जी ने उनके लिए ध्रुव लोकों की स्थापना करी। तो यहाँ पे यह देखकर जो अन्य जो ऋषि मुनियों थे उनने कहा कि हम तो युगों युगों से वर्षों से ठाकुर जी की तपस्या करते हैं परंतु ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते और इसने तो 6 मास पे ही श्री ठाकुर जी के दर्शन ले लिए, तो कैसे? तो उसका उत्तर श्याचार्य जी क्या करते हैं कि ध्रुव पराशराभिष्ट दे, क्यों? क्योंकि ध्रुव जी मधुवन में श्री यमुना जी के तट पे बैठे हुए थे और उनपे श्री यमुना जी की कृपा हुई तो इसलिए ही ठाकुर जी ने उनपे कृपा करी। तो इस प्रकार से ध्रुव जी को उन्हें श्री यमुना जी ने अपने अभिष्ट फल दिया। और यह प्रसंग से हमको यह भी जानना चाहिए कि अगर श्री यमुना जी की कृपा हो तो ठाकुर जी हम पे प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी भी आप कृपा करते हैं। तो ध्रुव पराशर अभिष्ट दे, ध्रुव पराशर, पराशर ऋषि की भी कथा आती है कि एक बार वह मत्स्य गंधा के साथ श्री यमुना जी के को नौका से पार कर रहे थे तो पराशर ऋषि मत्स्यगंधा को देखकर बड़े मोहित हो गए और वहां पे इस कारण से मत्स्यगंधा के गर्भ से एक राक्षस का जन्म हो रहा था, पर वह नौका श्री यमुना जी के ऊपर चल रही थी इसलिए वहां पे राक्षस का नहीं, वहां पे तो व्यास जी का जन्म हो गया। और व्यास जी तो भागवत के रचयिता हैं, अभिष्ट हैं, तो इसलिए इस कारण से
पराशर जी को श्री यमुना जी ने आपने अभिष्ट फल दिया, तो ध्रुव पराशर अभिष्ट दे ऐसा ध्रुव पराशर आदि मुनियों ऋषि मुनियों को अभिष्ट फल देने वाली श्री यमुना जी है। और यहाँ पे श्री यमुना जी के श्री गुण धर्म का शाचार्य चरण ने आपने वर्णन किया, जो कोई ना दे सके ऐसा अभिष्ट फल देने वाले श्री यमुना जी है। आप जैसे महाप्रभु जी आप सर्वोत्तम स्तोत्र में देखें कि अदे दान दक्षाय नमः, श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि अदे दान दक्षाय, जो कोई ना दे सके ऐसा था महाप्रभु जी आप दान करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी कारण से ध्रुव पराशराभिष्ट दे, इसी कारण से आप ध्रुव पराशरादि ऋषि मुनियों को अभिष्ट फल देने वाले। और यहाँ पे श्याचार्य चरण ने श्री गुण धर्म का वर्णन किया। और अब आगे के चरण में श्याचार्य जी आज्ञा करते हैं कि विशुद्ध मथुरा तटे, अर्थात विशुद्ध मथुरा नगरी। अब यहाँ पे पूर्व पक्षी जो थे उनने शंका करी कि मथुरा नगरी विशुद्ध कैसे है, तो वहां पे अपने आचार्य आज्ञा करते हैं कि वह दोष रहित है, मथुरा नगरी दोष रहित है इसलिए वह विशुद्ध है। क्यों? इसके दो कारण बताए हैं। पहला तो ये श्री यमुना जी के तट पे यह मथुरा नगरी बसी हुई है और यमुना जी का आश्रय मथुरा नगरी को प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए मथुरा नगरी विशुद्ध है। और दूसरा कि यमुना जी के तट पे ही प्रभु अपनी विविध लीला करते हैं, तो वहां पे तट का एक अर्थ श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति में तट का एक अर्थ निकट भी कहते हैं। तो अपन अर्थ देखे तो यो अर्थ होता है कि प्रभु के निकट मथुरा नगरी है तो इसलिए वह विशुद्ध है, क्योंकि उसे प्रभु का आश्रय भी प्राप्त हो रहा है, प्रभु का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए वह विशुद्ध है। और भारत में जो सप्तपुरियां हैं उनमें से वह धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह चार प्रकार की मुक्तियों को देने वाली है। और मुक्ति कहां से हो प्रदान होती है कि ज्ञान से। तो जब यहाँ और मुक्ति दाए तो ज्ञान से होती है, तो हम मतलब मुक्ति दायित्री से जब वहां पे मथुरा नगरी को श्री यमुना जी का संग हुआ, श्री यमुना जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब वह मुक्ति दायित्री से भक्ति दायित्री बन गई, वह भक्ति को देने वाली है। तो विशुद्ध मथुरा नगरी अर्थात विशुद्ध मथुरा नगरी। और यहाँ पे श्री यमुना जी के ज्ञान गुण धर्म का शाचार्य चरण ने वर्णन किया। और अब आगे आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि सकल गोप गोपी वृते, अर्थात श्री यमुना जी आप सकल गोप और गोपियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि इस चरण से यहाँ पे शाचार्य चरण हमें वैराग्य गुण धर्म का आपने यहाँ पे वर्णन किया। यहाँ पे जो वैराग्य है वह पुष्टि वैराग्य, और पुष्टि वैराग्य और मर्यादा वैराग्य इनमें यह अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। पुष्टि वैराग्य अर्थात विशिष्ट प्रकार का राग, अर्थ देखें कि विशिष्ट प्रकार भगवत रस में प्रेम होना, यह वैराग्य। और यह वैराग्य कौन में? श्री यमुना जी में, उनको भगवत रस में प्रेम है। और जिस अगर कोई के पास प्रेम है तो ही वो दूसरे को देगा ना, कोई के पास नहीं हो तो कैसे देगा। तो यमुना जी आप वैराग्य का दान करने वाली हैं, तो सकल गोप गोपी वृते, अर्थात श्री यमुना जी आप सकल गोप और गोपियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि श्री यमुना जी के तट पे ही प्रभु की विविध लीला होती है। और प्रभु के दर्शन करने के लिए जो जीव उत्साहित है तो वह श्री यमुना जी के तट को घिरे हुए हैं, क्योंकि श्री यमुना जी के तट पे ही प्रभु की विविध लीला होती है, तो उन्हें प्रभु के दर्शन हो तो इसलिए वह श्री यमुना जी के तट को घिरे हुए हैं।
तो सकल गोप गोपी वृत्ति यहाँ पे वैराग्य गुण धर्म का शाचाचरण वर्णन किया। और अब यहाँ पे यह षट गुण धर्म शाचार्य जी ने हमें बताए और कृपा जलधि संशदे मम मना सुखम भावय। अब आगे के पद में धर्मी स्वरूप काशी आचार्य चरण हमें का स्वरूप बता रहे हैं। जो पूर्व में जो षट गुण है वह धर्म स्वरूप है और जब आगे जो चरण है वह धर्मी स्वरूप है। कृपा जलधि संशदे अर्थात श्री यमुना जी आप कृपा सागर है, अपार कृपा को देने वाली है और इसीलिए हमारे भगवतियन भी गाते हैं करंत कृपा को दान श्रिया करंत यमुना जी आप कृपा का दान करने वाली है। जो को राखत दर्श तिहारो सबको राखत मान, श्री यमुना जी आप सबका मान रखने वाली है। तो यहाँ पे श्री आचार्य चित्र ने धर्मी स्वरूप का वर्णन किया। श्री यमुना जी आप कृपा जनशदे अपार कृपा को आप प्रदान करती हैं, देने वाली। तो बस ज्यादा ना कहते हुए तो इसी कृपा को अब आगे के चरण में आगे करते हैं। तो इसी कृपा को दान करने वाली श्री यमुना जी अब शाचार्य जी आगे करते हैं मम मना सुखम भावय, कि ऐसी श्री यमुना जी मेरे मन को सुख प्रदान हो उसका आप विचार कीजिए। और यह जो सुख है भगवत सुख है उसको श्री यमुना जी आप प्रदान करते हैं। तो मम मना सुखम भावय अर्थात मेरे मन को सुख प्रदान हो उसका आप विचार कीजिए। तो यहाँ पे श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना जी के षट गुण धर्म एवं धर्मी स्वरूप का आपने यहाँ पे वर्णन किया। तो बस ज्यादा ना कहते हुए यह आगे के श्लोक पे हम आगे के सत्संग में के उसके दर्शन करेंगे। तो बस यह हम हमेशा श्री यमुना जी का आश्रय लेते रहें यही मंगल भावना के साथ मैं अपने वाक पुष्पों को श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री यमुने महारानी की जय, शिवल्लभारीश की जय। श्री व्रताधीश जी लालन प्यारे की जय। हवे आप सौ वैष्णवते पूज्य श्री हरिराय जी महोदय श्री ने विनंती करूँ छू कि आप संवाद थी समाधान अंतर्गत वचनामृत करी अमने सौने लाभान्वित करशो।
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी, जा रही। श्री वल्लभाधीश की जय। बोलो श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गोकुल के रसिया की जय। बोलो श्री गिरिराज धरन की जय। बोलो गौ माता की। थोड़ा सो मैं बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। शिरश्च पादाम्बुजसत्प्रणाम योग्यं ददौ यो यदुवंशचन्द्र। स्तुत्या च नत्या विनयेन हीनो गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री भागवते नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। प्राण प्रिय निकुंज नायक भक्तवत्सल रसिया प्रभु श्री गोपाल प्रभु के सुकोमल युगल चरणार विंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करूं। उपस्थित आप सब भगवद चरण अनुरागी सत्संग प्रेमी अत्यंत भावुक उत्साही उमंगी आनंदी वल्लभीय वैष्णव सृष्टि
पूर्व वक्ताओं ने प्रारंभ से ही इतना सुंदर सत्संगमय वातावरण हम सब उनको दिया, बेटी जी चिरंजी व्रजादीप जी लालन के वचनामृत पाठ श्रवण हम सबन ने किए और अभी अभी एक ऐसी अनुभूति हम सबन को हुई कि मानो हम सब मथुरा विश्राम घाट पर बैठे हुए हैं। चिरायुष्मान व्रजाधीश लालन ने बड़ा ही सुंदर मानो वाक्पति श्री वल्लभ ही उनके हृदय में विराजमान होकर अपनी ही वाणी द्वारा श्री यमुना जी का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कई वैष्णव व्हाट्सएप और मैसेज फोन के माध्यम से हर सत्संग के बाद अपने विचार अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, तो एक वैष्णव ने तो इतना सुंदर लिखा, कैसा लगता है कि हर शनिवार को श्री वल्लभ के श्री हस्त से मानो श्री यमुना पान हो रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता, ये छोटे छोटे बालक अपने संप्रदाय की सेवा में आगे आ रहे हैं, प्रसन्नता भी होती है और थोड़ा सा भय भी लगता है जब जल्दी रिटायरमेंट का समय आने वाला है, तो बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहां से प्रारंभ करूं। आप सब इतने सत्संग अनुरागी हैं तो आप सबन को देख के कल ही की बात मुझे याद आ रही है। नित्य नियम भगवत सत्संग का क्रम, और कल ही भगवत सत्संग में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग चला कि भगवदीय के दर्शन हुए, 252 वैष्णव की वार्ता। श्री गोसाई जी ने पोथी खोली, कई सारे वैष्णव श्री गोसाई जी के सन्मुख बैठ गए, श्री गोसाई जी भी विराज रहे हैं, पोथी भी खोलकर विराज रहे हैं, लेकिन आप कुछ वचनामृत नहीं कर रहे हैं। सब वैष्णव आप सबकी तरह ही उत्कंठ हैं, जिज्ञासु हैं, अब कुछ वचनामृत श्रवण हो, अब आप कुछ आज्ञा करें, लेकिन श्री गोसाई जी कुछ बोल नहीं रहे। अचानक आपके मुखारविंद से एक वचनामृत प्रकट हुए, बड़ी सुंदर बात है कि सुनवे वारो आवे तब कछो कहें। ध्यान दो, श्री गोसाई जी ने कितनी सुंदर बात कही प्रियजनों, कि कोई सुनवे वारो आवे तब कछु कहेंगे। और जहां यह आपने बात कही, आपके वचनामृत कहे, तुरंत ही एक दुबलो पतलो वैष्णव, श्रमिक जैसो लगतो वैष्णव आए के श्री गोसाई जी के चरण में बैठ गयो। और जैसे ही वो आयो, श्री गोसाई जी ने अपने वचनामृत प्रारंभ किया। वार्ता प्रसंग में आवे है कि वामे एक सठ वैष्णव थो, हठी हठी जिद्दी के पछी सठ वैष्णव। वाने कही कि जेदाज आप कौन की प्रतीक्षा कर रहे थे,
अभी अभी एक ये दुबलो पतलो एक मजूर जैसो दिखतो श्रमिक वैष्णव आयो है, आपका याकी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री गोसाई जी ने अपने भाव प्रकट किए, तुम कहा जानो कोई सुनवे वारो आवे, समझवे की बात यही है प्रियजनों, सुनाए वारो है और जो सुनवे वारो होए तो सुनाए वाले को आनंद आवे, और जो सुनाए वारो होए तो सुनवे वाले को आनंद आवे। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जैसे सुनाए वारे सुनवे वारे होए तो हमको भी कछु कहवे को आनंद आवे। तो बड़ी प्रसन्नता श्री आचार्य चरण भी यही बात पंचपध्यानी में आज्ञा करे हैं कि श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रति वर्जिता अनिरुता लोक वेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुका। ध्यान दो, श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा, श्री आचार्य चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जिनको भगवत कथा सुनवे में जिनको मन विक्षिप्त यानी एक ऐसी स्थिति हो गई है पानो पागल जैसी स्थिति कि अब जो कथा नहीं सुनेंगे तब रह नहीं पाएंगे, जैसी स्थिति दिनकर दास जी की भाई कि अब जो कथा नहीं सुने तब रह नहीं पावे। अब जब ऐसी स्थिति बने तब जाके वो सुनो सुनो वो कथा कथा वो वचनामृत वचनामृत वो श्रवण श्रवण कहलाए। तो हमको ये बात की बड़ी प्रसन्नता हुए कि हमको ऐसे सुनने वाले मिल रहे हैं। कोई भी आपको बंधन नहीं है। देखो मुको तो आप सबन को जब देखूं आप सबन के जब दर्शन करूं तो इतनी प्रसन्नता होए कि सब अपने अपने घर में हैं, न कोई जोर न कोई जबरदस्ती न कोई कोई ऐसो आग्रह न कोई ऐसो फोन कर करके आपको कहो जा रहा है, कोई नहीं, बस आपको एक सूचना मिल रही है कि ये शनिवार को सत्संग है और आप वो सत्संग को पाएवे के लिए आप जुड़ जा रहे हो। ये श्री यमुना जी ये श्री बल्लभ की परम कृपा कि आप घड़ी दो घड़ी ये भगवत सत्संग को पाएवे के लिए आप लालायित हो। तो आप सबन के लिए जो जो ये वैष्णव प्रति शनिवार ये पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए हैं और कई वैष्णव तो जोड़वे को भी काम कर रहे हैं, जोड़वे की भी सेवा कर रहे हैं। ये वैष्णव इनके मैसेज आवे हैं कि आज हमने दूसरे पांच वैष्णव इनको जोड़े तो बड़ी प्रसन्नता हो रही। हर शनिवार को ये सुंदर क्रम अपनो चल रहे है और देश और विदेश के सभी वैष्णव भगवत सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। कायमिक वचनामृत को क्रम रहे तो पिछले मुझे दादाजी के वचनामृत के बाद मन में सो विचार आयो कि अगले शनिवार को अपन कछु संवाद करें। जो भी आपके मन की जिज्ञासाएं हैं जो भी आपके मन के प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को कहीं ना कहीं श्री वल्लभ की कृपा से समाधान तक ले जाएं। तो पूज्य पितृचरण की ही आज्ञा से आपके आशीर्वाद से या शनिवार को या सत्संग में अपन संवाद से समाधान की यात्रा करें। जैसे ही वैष्णवन को ये सूचना मिली कि अगले शनिवार यानी कि आज प्रश्नोत्तरी को कार्यक्रम है
और प्रश्न लिख के भेजने हैं, तो मुको तो सच्ची बताऊं तो यूं हो तो कि थोड़े से प्रश्न आ जाएंगे और वहां से एक आध दो प्रश्न को समाधान अपन करके हो जाए हो, लेकिन ये जो क्रम चालू है हो अभी तक यानी 9 बजे तक इतने वैष्णव इनके प्रश्न आए हैं जो मैं केवल एक के बाद एक प्रश्न ही पढ़ना शुरू करूं तो ये मुझको लगे कि अपनो समय पूरा हो जाएगा। कई वैष्णव तो पत्र भर भर के दो दो पत्र, मैंने तो एक ही प्रश्न को कही थी, पर कई वैष्णव तो बिल्कुल लोभ नहीं कियो, मन भर के, और कई बार तो ऐसा लगे हो कि प्रश्न भेजो है कि उत्तर भेजो है, क्योंकि प्रश्न इतने बड़े पैराग्राफ में हुए कि वो देख के एक बार तो मन को यू हो जाए कि प्रश्न है कि ये उत्तर है, या को पढ़ूं के क्या करूं। लेकिन बड़ी प्रसन्नता भई, आनंद भयो आप सबन के भाव को जान के। पिछले वर्ष अपन ने क्रम रखे तो प्रश्न मंच को, वो वैष्णव को बड़ो अच्छो लगे, और तभी से बारंबार वैष्णव की विनती आ रही थी कि जय फिर से वो प्रश्न मंच प्रारंभ करो। तो या बार एक संवाद के रूप में ये प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न होनो अच्छी बात है प्रियजनों, शास्त्र कहे है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को पा सके है, जामे श्रद्धा है, जामे जिज्ञासा है, जामे कछु पाएवे की तलब है, वही ज्ञान को पा सके है। और जब ज्ञान मिल जाए तो त्रिज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, कि जब ज्ञान वाकु प्राप्त हो जाए तब वाकु परम शांति को अनुभव जीवन में हो। देखो मन में जब कोई प्रश्न चलतो होए तब व्याकुलता रहे, अब जब वो प्रश्न को समाधान मिल जाए तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, तो शांति को अनुभव। तुमको परम विश्वास है कि आज कछु न कछु वैष्णव को तो शांति को अनुभव होएगो, सबन की तो गारंटी नहीं दे सके क्योंकि सबन के प्रश्न को लेनो तो असंभव है, लेकिन कोई न कोई वैष्णव को तो जरूर से वो शांति को अनुभव होएगो। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, यहां कौन से ज्ञान की चर्चा है प्रियजनों? ध्यान दो, यहां कोई भौतिक ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि भौतिक ज्ञान में तो आप सब माहिर हैं। यहां जो चर्चा होगी वो आधिदैविक आध्यात्मिक ज्ञान, और आधिदैविक आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि स्व को परिचय, मैं कौन हूं। देखो आज के जो संवाद को प्रारंभ करें, मुकु ये बहुत से प्रश्न में विचार आ रहा था कि सबसे पहलो प्रश्न कौन सो लूं, तो एक प्रश्न मुकु इतनो तात्विक लग्यो, मैं तो वो वैष्णव को, कोई भी वैष्णव को नाम उच्चारण नहीं करना है, लेकिन धन्यवाद दूंगो जो मुकु सुन रहे हो वो वैष्णव, तो इनको इतनो सुंदर प्रश्न मुकु लगे तो वहीं से प्रारंभ करें। वो लिख रहे हैं, पहले तो उन्होंने दंडवत प्रणाम और सब अपनी प्रसन्नता ने सब लिखे, और बड़ो सुंदर उन्होंने लिखे कि मैं कौन हूं।
जयराज स्वस्वरूप ज्ञान कैसे हुए? मैं अपने आप को कैसे जानू और मुझको इतनो अच्छो लगो? आप सबन के प्रश्न इतने सारे मुझको मिले तो मैं तो यो कहूं कि मेरो कोटा फूल हो गयो है, पर वहां में भी ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं कि मैं कौन हूं, क्या मैं स्वस्वरूप ज्ञान कर सकू हूं, कैसे हो सके। देखो प्रिय जनों, हम नित्य प्रातः स्नान करें हैं, स्नान इत्यादि के क्रम के बाद दर्पण के सामने खड़े भी हुए हैं, तैयार हुए हैं, और वह समय हम हमारे स्वरूप को देखें, वो कौन सा स्वरूप है? ये हमारो पंच महाभूत से बनो भयो जो ये बाह्य स्वरूप है, जाको हम शरीर कहे हैं, वो शरीर को हम देखे हैं। ध्यान दो, तो क्या मैं शरीर हूं? नहीं। ये प्रश्न केवल एक वैष्णव को नहीं है प्रियजनों, ये प्रश्न हम सभी को है, क्योंकि हम सभी ये स्वस्वरूप ज्ञान, मैं कौन हूं, क्योंकि आज हम सबन में कहीं ना कहीं एक रोग भयो है, और वो रोग को नाम है स्वरूप विस्मृति। मैं अपने आप को भूल गयो हूं। एक व्यक्ति वाको भूलने की बीमारी, कैसे कपड़ा पहनो, टोपी कहाँ पहननी, मोजा कहाँ पहनने, कोट कहाँ पहनो, शर्ट कैसे पहनो, सब कुछ भूल जाए, खानो कैसे, रसोई कैसे बनानी, अकेलो रहे और भूलने की बीमारी। अब वाके घर के बगल में एक आश्रम संत को एक दिन माने विचार कियो, लाओ आश्रम में जाके आऊं, संत से मिल के आऊं, और वो पहुंच गयो। अपनी जो बीमारी थी वो संत से कही कि मोको भूलवे की बीमारी है, मैं सब भूल जाऊं हूं। संत ने वाको समाधान बतायो कि बालक चिंता मत कर, ये कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है, अच्छी बात है, भूलनो भी अच्छी बात है, न भूलनो भी अच्छी बात है, कछु भूल जानो अच्छी बात है, कछु नहीं भूलनो अच्छी बात है। संत ने समाधान बताया, ऐसा कर तू लिखवे को अभ्यास कर कि भाई ये टोपी है तो टोपी माथे में पहरी जाए, मोजा पांव में पहरे जाए, खावे को यहां पड़ो है, ये चीज है, ये सोवे की जगह है, नहावे की जगह है, ये मेरे मित्र हैं, ये परिवार, ये सब कुछ लिख ले। वाकू ये समाधान बड़ो अच्छो लगो, घर पे आयो और वही हिसाब से चलवे लगो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, सब कुछ लिखे लिखे अनुसार करे। दो तीन दिन बाद वो को विचार आयो, भाई ये मेरे मोजा है, ये मेरी टोपी है, ये मेरे कपड़ा है, ये मेरे खावे को है, ये मेरे परिवार है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे पड़ोसी है, ये वो है, ये सब कुछ, लेकिन मैं कौन हूं? ये तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। ये सब कुछ मैंने लिख दियो कि ये मेरे कपड़ा है, ये मेरे इष्ट है, ये मेरे मित्र है, ये पड़ोसी है, ये खाएरे को है, ये रसोड़ा है, ये बाथरूम है, ये सब कुछ मैंने लिख दियो, लेकिन एक चीज तो मैंने लिखी नहीं, मैं कौन हूं? कहीं ना कहीं प्रियजनों हमारी भी ऐसी स्थिति है, हमने भी बहुत कुछ रट्टा मार के याद कर लियो है, और सब कुछ याद करवे में एक चीज भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। उपनिषद कहें कि प्रत्येक मानव को
याको समाधान प्राप्त करनो चाहिए। ध्यान दो, हर एक व्यक्ति को याको उत्तर प्राप्त करना चाहिए, मैं कौन हूं ये जानना चाहिए। और जो वो नहीं जानेगा तो बड़ी आनी होगी। उपनिषद कह रहे हैं कि इह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति न चेद हा वेदिन महती विनष्टि केन उपनिषद। और बड़ी सुंदर बात उपनिषद बता रहे हैं कि जो मनुष्य ये नहीं जानेगो कि वो कौन है, वाको स्वरूप को नहीं पहचानेगो तो बड़ी हानि होगी। कि क्या हानि होगी? कि वाको अनेक बंधनों में बंधनो पड़ेगो, अनेक द्वंद में वाको फंसनो पड़ेगो, अनेक दुख वाको सहने पड़ेंगे। स्वरूप विस्मृति के चलते परिणाम क्या आयो? मैं और मेरो परिवार, मैं मेरो परिवार, मेरे स्वजन, और बस यही सर्कल में हम फंसे भरे हैं। एक वस्तु याद रखो प्रियजनों, दो ही तत्व हैं, एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। ये जगत में जड़ तत्व कौन है? कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जड़ तत्व हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान शक्ति नहीं है। और चेतन तत्व कौन है? कि ये चराचर सृष्टि के सभी जीव में और आप, छोटे से छोटो कीड़ी से लेके बड़े से बड़ो जीव, जामे ज्ञान शक्ति है प्रियजनों, को चेतन तत्व है। अब ये करोड़न जीवन में मैं कौन हूं? साधारण जीव से जब प्रश्न करवे में आवे तो वो उत्तर देगो कि मैं गणेश हूं, मैं सुरेश हूं, मैं महेश हूं। वो क्या करेगो? अपने शरीर को परिचय देगो। अच्छा, और ज्यादा पूछवे में आवे तो मैं फलाने को बेटा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं सोनी हूं, मैं पटेल हूं। कहीं ना कहीं देह से हम हमारो परिचय दे हैं। ध्यान दो, और जब देह नहीं रहे तो वो अभी अभी चले गए। कौन चले गए? वो गणेश अभी अभी चले गए। अच्छा, उनका देह है कि हाँ देह तो पड़ा हुआ है, उनकी इंद्रियां हैं कि हाँ इंद्रियां भी हैं, तो कौन चला गया? हम हमारा परिचय जो देह से दे रहे थे, देह तो पड़ा हुआ है, तो मृत्यु के बाद चला कौन गया? तो शास्त्र कहते हैं कि देह तो वही है, लेकिन देह के भीतर जो मैं था, मैं यानी जो चेतन तत्व है जिसको हम जीव कहते हैं, वो जीव चला गया। यानी ध्यान दो, जो प्रश्न है मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। जब भरी सभा रावण की, और वो सभा में जब हनुमान जी को लेके आया गया तो हनुमान जी का स्वरूप देख के सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा वानर कभी देखा नहीं था। क्योंकि वानर जो होता है वो बड़ा विचित्र होता है, और ये तो परम शांत वानर जो होता है वो बड़ा अपवित्र होता है, और ये बड़े पवित्र वानर जो होता है वो मूर्ख होता है, और ये तो परम ज्ञानी। तो रावण ने वो वानर को देख के पूछा कि भाई तू कौन है? तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ
अरे राजन, ये क्या पूछ लिया मुझसे? मेरे प्रभु श्री राम का परिचय पूछा होता तो मैं पूरी रामायण आपको कह देता, लेकिन आपने क्या पूछा? मैं कौन हूं, ये कौन है, तू कौन है? मैं अपने बारे में क्या कहूं? और वही उनके हाथ में माता सीता की चूड़ामणि थी, और चूड़ामणि में मानो सीता जी प्रकट हुई और उनको बोध कराया, उनको उनका परिचय कराया मानो। और हनुमान जी बोल उठे कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, हे रावण मैं दास हूं। ध्यान दो प्रियजनों, जब उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु यह संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो भगवान ने इतना ही कहा कि मूर्खो देहात देहम बुद्धि, कि हे उद्धव जी जो अपनी बुद्धि केवल शरीर में रखता है, देह में रखता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। एक वस्तु याद रखो, देह संबंध से बढ़कर देव संबंध है। तो यहां हनुमान जी कह रहे हैं कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं तो दास हूं। रावण को आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि हम तो समझ रहे थे तुम कहीं के राजा हो गए और तुम तो दास निकले। हनुमान जी कहते हैं कि हां तू काम का दास है, तू दाम का दास है और मैं राम का दास हूं। ऐसे ही हमारे पुष्टि मार्ग में भी यही वैष्णव का परिचय है, मैं कौन हूं, दासो हम कृष्ण तवास्मी, हे प्रभु मैं तो आपका दास हूं। गोविंद स्वामी से मिलने उनके गांव के कई लोग आए, गोकुल घर पे गए तो कानबाई हती पूछो गोविंद स्वामी कहाँ है, क्यों तो अभी अभी यमुना जी गए हैं जाओ, तो दौड़ते दौड़ते यमुना जी आए और वहां गोविंद स्वामी थे, उनसे पूछा कि कहाँ है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ने क्या उत्तर दिया, वो तो अभी अभी चल बसे, वो तो कब के मर गए, वापिस अपने वापिस जो वैष्णव जो भी लोग आए थे उनके घर गए, गोविंद स्वामी भी अपने घर आए और जहां वो लोग आए द्वार भी गोविंद स्वामी ने खोला। वैष्णव को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा कि आप तो कह रहे थे गोविंद स्वामी तो कब से चले मर गए, आप तो जिंदा हो। तब गोविंद स्वामी के वचन याद करो प्रियजनों, उन्होंने इतना ही कहा, स्वामी तो कब से मर गए, अब तो गोविंद दास है। तो दासो हम, मैं कौन हूं, प्रत्येक वैष्णव को याद रखना है, मैं दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। या संसार में सुख, सुख की प्राप्ति जो करनी हो, आनंद की प्राप्ति जो करनी हो प्रियजनों, तो फिर बस एक बात, एक गठरी बांधनी पड़ेगी, एक गांठ बांधनी पड़ेगी, एक लिख के रखना पड़ेगा, तो बस मैं तो दास कृष्ण को दास। तो बड़ो सुंदर ये प्रश्न मुकु लगो, मुकु आशा है कि उनको उनको समाधान मिलियो होगो। बहुत से प्रश्न आए हैं, दो चार प्रश्न अपन देखें, पूरी सूची है मेरे पास काफी प्रश्नों की। एक वैष्णव लिख रहे हैं, जे जे दंडवत प्रणाम, वैष्णव गिरिराज बाबा की मानता रखे हैं, ये कई वैष्णव प्रश्न गुजराती में भी होते, बाकू मैंने हिंदी करो है, और श्री गिरिराज जी भक्तवत्सल हरिदास वर्य हैं,
विष्णु भगवान को स्वरूप हैं, तो हमें विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ करना चाहिए। ये एक वैष्णव को प्रश्न है, नाम मैंने बोलने की आवश्यकता नहीं है कि विष्णु सहस्त्र को पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले समझो ये विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो कोने प्रकट की ओर। महाभारत अंतर्गत जब युधिष्ठिर राजा को शोक भयो और वो शोक को समाधान पाएवे के लिए जब भीष्म पितामह के पास आए, तब वो भीष्म पितामह ने ये विष्णु सहस्त्र नाम द्वारा युधिष्ठिर राजा को शोक दूर कियो। महाभारत के अंदर ये विष्णु सहस्त्र नाम आवे है। नहीं करना चाहिए ऐसो मैं नहीं कहूंगो। हम अखबार भी पढ़ रहे हैं तो ये तो भगवत नाम है, क्यों नहीं कर सकें? अवश्य कर सको, लेकिन जो सर्वोत्तम है, जैसे वो प्रश्न आयो कि विज्ञान मार्ग बढ़ो के कर्म मार्ग बढ़ो, तब श्री आचार्य जी ने उत्तर दियो कोई जाकू जो ठीक लगे वो, पर हमसे पूछो तो हम तो कहेंगे कि भक्ति मार्ग बढ़ो। तो ऐसे ही सब उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन हमसे पूछने में आई तो हम तो इतनो कहें कि श्री आचार्य महाप्रभु को प्रकट कियो भयो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम वैष्णव को अवश्य करना चाहिए। ये हो सके कि नहीं हो सके, लेकिन वो करें तो वो उत्तम है, क्योंकि श्री आचार्य महाप्रभु की वो वाणी है। एक वैष्णव लिख रहे हैं, जो कोई वैष्णव के घर में सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी विराजते हों और उनकी सेवा का लाभ घर के दूसरे वैष्णवों को ना मिलता हो, सिर्फ दंडवत ही प्राप्त हो, तो क्या घर के दूसरे सभ्य सदस्य पंचाक्षर मंत्र श्री ठाकुर जी के सन्मुख कर सके? कि एक हमारे आत्मीय वैष्णव हैं, उनका ये प्रश्न है। या फिर जो श्री ठाकुर जी की सेवा पहुंच रहा हो वही कर सकता है? वैष्णव मेरे सामने ही बैठ रहे हैं और हंस रहे हैं, उनको आनंद हो रहा है कि देखो हमारा प्रश्न आ गया। देखो अपने पुष्टि मार्ग में पंचाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, गद्य मंत्र, इन सभी की दीक्षाएं दी जाती हैं, और ब्रह्म संबंध के पश्चात जो भी वैष्णव है जिनने ब्रह्म संबंध लिया हुआ है उन सभी को ये पंचाक्षर या फिर गद्य मंत्र या अष्टाक्षर मंत्र करने का अधिकार या फिर करनी ही चाहिए। मैं तो कहूं कि और कुछ कर सके कि नहीं कर सके, समझो वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जो ये पंचाक्षर मंत्र है या फिर अष्टाक्षर महामंत्र है या फिर गद्य मंत्र जो नाम सेवा है वो भी कर रहा है तो वो उत्तम है। यानी ये प्रश्न में जो है कि भाई जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है वही पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर सके, तो ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म संबंधित वैष्णव है वो पंचाक्षर अष्टाक्षर गद्य मंत्र का उच्चारण कर सकता है। एक वैष्णव लिख रहे हैं कि ब्रह्म संबंध फलीभूत कैसे होए? गोकुलनाथ जी के वचन हमने कई बार श्रवण किए हैं, ब्रह्म संबंध फलीभूत होवे के श्री गोकुलनाथ जी ने कई मार्ग बताए हैं। हमें एक मार्ग ये भी बतायो है कि जीव को उद्यम, हम क्या कर रहे हैं वो परम आवश्यक है। श्री ठाकुर जी की कृपा, गुरु की कृपा, भगवदीन की कृपा, ब्रह्म संबंध फलीभूत होवे के कई कारण श्री गोकुलनाथ जी बता रहे हैं, लेकिन महत्व को कारण प्रियजनों कि हमारो उद्यम, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रयत्नशील हैं कि नहीं है। बस
जो हम प्रयत्नशील हैं, तो जैसे 252-84 भगवदियन को फलीभूत भयो तो हम भी फलीभूत हो, तो बस प्रयत्न करते रहे, करते करते अभ्यास जितनो हो सके उतनो भगवत सत्संग सन्मुक्ता सेवा के द्वारा प्रयत्न करते रहे। एक वैष्णव को प्रश्न है कि मेरे प्रभु मांग मांग के कब आरोगेंगे। कितने सुंदर सुंदर से प्रश्न आ रहे हैं, आनंद आवे सुन के ही कि मेरे प्रभु मांग मांग के कब आरोगे। मैं वह वैष्णव से कहूंगा कि आपको प्रश्न बड़ो सुंदर है, प्रभु मांग ही रहे हैं। पहली बात तो शायद हमारे कान सुन नहीं रहे हैं। प्रभु तो बालक हैं, उनको तो सहज स्वभाव है मांगनो, जैसे छोटो सो बालक हो वो एक जगह पे बैठा नहीं, वो कछुन कछु मांगतो ही रहे, ऐसे हमारे ठाकुर भी ऐसे ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात हमारे कान तक पहुंच नहीं रही है, या दूसरी रिस्त विचार करें कि शायद अभी हमारी तैयारी नहीं है, शायद अभी हम तैयार नहीं है कि वो बात को हम समझ सकें। देखो जैसे छोटो सो बालक होए, अब वो वाकी तोतली भाषा में कछु बोले तो ऐसो बन सके कि और कोई समझ नहीं सके वाकी भाषा, लेकिन वाकी माँ जो है ना वो समझ जाए कि ये मांग रहे है, या को भी जल पीनो है कि या को भी भूख लगी है, और कोई समझे कि ना समझे, लेकिन वो बाकी माता जो है ना वो समझ जाए, तो मुझको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं अभी हमारे वात्सल्य में वो बात प्रकट नहीं, अभी कहीं ना कहीं हम वो मां नहीं बने, कहीं ना कहीं ठाकुर जी बालक बन गए लेकिन हम ठाकुर के माता पिता नहीं बन सके। तो बस मैं कहूंगा कि ठाकुर जी तो मांग ही रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। एक वैष्णव लिख रहे हैं कि देह धर्म निभावे के आत्म धर्म निभावे। छोटो सा समाधान है, आप सबन को याद रखो जैसो है कि देह धर्म को संभाल के आत्म धर्म निभावनो है। ध्यान दो, देह धर्म को ध्यान में रखते हुए आत्म धर्म निभानो है। साधक बनो बाधक मत बनो, ये छोटी सी बात है। एक आध दो प्रश्न लेंगे। एक वैष्णव पूछ रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के लिए वैष्णवों को अपरस करके साड़ी या धोती बंडी पहनने की पहनकर ही क्यों सामग्री सिद्ध करनी चाहिए, पंजाबी ड्रेस है या फिर अन्य कोई वस्त्र पहनकर सामग्री सिद्ध क्यों नहीं कर सके। अच्छो प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न उठनो नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जब छोटे होते तब स्कूल गए हुए हैं, और जब स्कूल जाते तो एक स्कूल को डिसिप्लिन होतो, क्या होतो कि जब भी स्कूल में आए तो स्कूल के ड्रेस यूनिफॉर्म जो है वो पहन के आनो है। तो ये बचपन से ही वैष्णवतम बहुत बाद में भए हैं, लेकिन ये बात हम बचपन से सीख के आए हैं कि भाई यूनिफॉर्म जो है, ड्रेस कोड जो है वो आवश्यक है। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से उठनो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उठ्यो है। तो हमारे दादाजी कई बार वचनामृत में आज्ञा करें हैं कि वेश होए तो आवेश आवे, जहां सुधी वेश नहीं होए तो आवेश नहीं आवे।
धोती बंडी में होएं या फिर साड़ी में होएं या चनिया चोली, वो गोपी भाव जब तक प्रकट नहीं होए तब तक ठाकुर जी को प्रसन्नता नहीं हो। तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड सेवा में बड़ा आवश्यक है। जब भी सेवा में होए, ठाकुर जी की सेवा में या फिर कोई भी शिवल्लभ की सेवा में होए, तो आग्रह रखें कि धोती बंडी पहन के, या फिर महिलाएं हैं तो साड़ी पहन के। हम कई बार वैष्णव को देखे हैं कि वे ड्रेस पहन के सामग्री सिद्ध करते हुए कि ठाकुर, कई को खबर ही नहीं है कि भाई सामग्री सिद्ध तो गमे ते वस्त्र में थाय। अरे एवं नथी, वो भी तो सेवा ही तो है। सामग्री केवल ऐसा नहीं है कि हम ठाकुर जी की सिंगार धरा रहे हैं, कि ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, कि ठाकुर जी के सन्मुख हैं, मंगला करा रहे हैं, तभी नहीं। आप सामग्री सिद्ध कर रहे हो। आग्रह रखो कि वैष्णवी वेश में हो। आप माला जी सिद्ध कर रहे हो तो आग्रह रखो आप वैष्णवी वेश में हो। आप सत्संग भी कर रहे हो तो आग्रह रखो कि आप वैष्णवी वेश में हो, क्योंकि वेश होएगो तो ही आवेश आएगो। ये वैष्णवता की पहचान है। तो ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड अत्यंत आवश्यक है। वार्ता प्रसंग आप हंस हंसनी को आप देख लीजो कि जामे ये बात सिद्ध हो गई है कि वैष्णवी वेश को क्या महत्व है। एक पक्षी की योनि, वो हंस हंसनी की, वो बात को समझ गए, हम नहीं समझे अभी तक। वो ये बात को समझ गए कि ये वैष्णव है, ये वैष्णव को वेश धारण करके आयो है। वो जानते थे कि पारधी है, लेकिन वेश वैष्णव को हतो, वाने धोती बंडी और तिलक धारण करो हतो, तो आके चरण में लोटवे लग गए। एक पक्षी समझ गए, लेकिन हमको समझ में बड़ो समय लगे। तो जब भी कोई भी सेवा में हो, आग्रह रखो प्रियजनों कि वैष्णवी पोशाक में हो। श्री ठाकुर जी को विशेष प्रसन्नता हुई। एक वैष्णव लिख रहे हैं कि मेरे घर श्री ठाकुर जी विराजे हैं, सेवा आपकी आज्ञा एवं निर्देश अनुसार करे हैं। प्रश्न ये है कि कभी कभी लौकिक चिंताओं को लेकर मन बहुत अशांत है, नवरत्न को पाठ भी वो करे हैं, तो प्रश्न इतना कोई स्पष्ट है नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लौकिक चिंताओं को निवारण के लिए नवरत्न नहीं है, वास्तव तो और चिंताएं बढ़ जाएंगी आपकी। भगवत संबंधित जो चिंताएं हैं, वाकी निवारणार्थ श्री आचार्य महाप्रभु ने नवरत्न ग्रंथ प्रकट किया है। तो जितनो हो सके उतनो अष्टाक्षर महामंत्र को जाप करें। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, जैसो आपकी लौकिक चिंताएं दूर होंगी। एक प्रश्न बड़ा सुंदर है कि पुष्टि मार्गी वैष्णव प्रेम लक्षण भक्ति का अनुकरण गुरु कृपा से ही करते हैं, उस भक्ति का दान गुरु कृपा से ही है और प्रमेय का अनुभव भी गुरु कृपा से ही हो सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं जीव से गुरु का अपराध हो जाता है। इस अपराध से जीव छूट सकता है? करुणा निधान गुरुदेव वापस उस जीव को अपनाते हैं? अब देखो ये प्रश्न बड़ा सुंदर है और मैं वह वैष्णव से कहूंगा कि आपके प्रश्न में ही आपको उत्तर है। करुणा निधान गुरुदेव वापस उस जीव को अपनाते हैं। एक तो आप लिख रहे हो करुणा निधान, कृपा निधान, यही तो उत्तर है आपको। हाँ, क्योंकि पुष्टि मार्ग में कृति देखी नहीं जाए है, भाव देखो जाए है। कृति तो हम सबन की, कृति से तो हम सब दुष्ट ही हैं,
और जो ठाकुर और गुरुदेव जो हमारी कृति देखनो प्रारंभ कर देंगे तो हमारो तो कहीं पत्तो ही नहीं लगेगा। यानी कई ऐसे प्रसंग आवे जहां कृति नहीं देखी जाए, केवल भाव देखो जाए। ये सिद्धांत को निरूपण हुए है, जैसे बागाजी रद्भूत दौड़ते दौड़ते सेवा में पहुंच गए जोड़ा पहन के, और ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मुझे पूर्ण पूरी सिद्ध करी है और हमें घी नहीं पधरायो, और वो वहां काम पे आते और वहां से दौड़ते दौड़ते आए और वही वेश में जोड़ा पहन के सेवा में चले गए और तुरंत कटोरी भर के घी धरायो, और जो वैष्णव उनके घर में प्रसाद लेवे आए थे उनने देखे और उनने कही कि भैया अब हमको इनके वहां प्रसाद नहीं लेनो, इनकी आचार विचार की कोई है नहीं व्यवस्था, वहां से चले गए। भाव प्रकाश कि वैष्णव इनकी कृति नहीं देखनी, वैष्णव इनको भाव देखना वो कितनी सेवा करे है। रामानंद पंडित श्री आचार्य जी ने वो त्याग कियो, श्री ठाकुर जी आरोग्य है। आप देखो वो कीड़ा वो सेठ जाको श्री गुसाई जी ने बारंबार कही तू भाई गोकुल आ, और वो गुसाई जी की बात नहीं माने, और फिर सर्प भयो नाग भयो फिर स्वान भयो और फिर कीड़ा भयो, और एक डब्बी में लेके वाकू गोकुल लेके गए। श्री गुसाई जी ने वाकू अंगीकार कियो, आशीर्वाद दिए, कृपा को दान। कहे को तात्पर्य कि परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन कृष्णदास अधिकारी करत कृपा निज हस्त दे मात है। तो हमारो पुष्टि भक्ति मार्ग की ये विलक्षणता है प्रियजनों कि यहाँ कृति नहीं देखी जाए, यहाँ केवल भाव देखो जाए। तो आप में वो ताप होएगो, आप में वो भाव होएगो तो जरूर गुरुदेव आप क्षमा करेंगे। विरहानुभवे कार्थ एक विष्णु प्रश्न कर रहे हैं, सर्व त्यागोपदेशक उसमें कौन से प्रकार का त्याग बताया गया है। ये सर्वोत्तम स्तोत्र अंतर्गत श्री आचार्य महाप्रभु को एक नाम है, ये मेरे ख्याल से ये 18वें श्लोक में आवे है कि ये विरहानुभवे कार्थ सर्व त्यागोपदेशक। श्री आचार्य महाप्रभु कैसे हैं कि विरह भाव को अनुभव करवे कराए वे बारे और सर्व त्याग को उपदेश करवे बारे श्री आचार्य महाप्रभु हैं। तो यहां ये प्रश्न हो रहे हो कि ये सर्व त्याग यानी क्या, बड़ो सुंदर प्रश्न है। छोटो सो समाधान कि सर्व वस्तु समर्पणम, यही पुष्टि मार्गीय त्याग है। ध्यान दो, देखो त्याग दो प्रकार के हैं, एक बाह्य त्याग और दूसरों आंतरिय त्याग। एक बाह्य जो दिखावे के लिए कोई कहे और हम कछु छोड़ दें और अंदर से तो छूटो ही नहीं हो, फिर हम चोरी चोरी वो को ग्रहण करें, वो बाह्य त्याग है। और एक है आंतरिय त्याग। जैसे एक बार एक सेठ सत्संग में गयो और वाकू सत्संग में मैंने सुनी कि भाई ये सब मिथ्या है, और वाकू वैराग्य जगे कि अब घर परिवार कछु नहीं चाहिए, अब तो मेरे जंगल में जानो है। और घर परिवार को सबन को जैसे कृष्ण करके जंगल में चलो गयो। ध्यान दो, पत्नी सुगेदी जैसे कृष्ण हूं जाऊ छू, बच्चा इन सुगेदी अब तुम सब संभालो मैं जा रहा हूं, सब कुछ त्याग कर चला गया। अब एक दिन दो दिन भय, अब वहां तो ना पत्नी ना बच्चा ना टीवी ना मोबाइल ना कोई लौकिक चर्चा, अब एक दिन मुश्किल से निकालो, दो दिन मुश्किल से, तीसरे दिन घर पे पत्र लिखे हो कि भाई आ जाओ, तू आ जा पत्नी को बुला ही ले, चौथे दिन बेटा बच्चा इनको बुला लिए। अब ये जो त्याग है वो बाह्य त्याग है,
पुष्टि मार्ग में ये बाह्य त्याग को स्थान नहीं है, पुष्टि मार्ग आंतर त्याग की बात श्री आचार्य महाप्रभु कर रहे हैं कि सर्व वस्तु समर्पणम। हमारे में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम कछु छोड़ सकें, कि हम कछु से छूट सकें। श्री आचार्य जी ने इतना सुंदर मार्ग बताया हो कि कछु मत छोड़ो, जो कछु भी है वाको जोड़ दो, यही पुष्टि मार्गीय त्याग है, यही सर्व त्याग है, सर्व वस्तु समर्पणम। जो कुछ भी है घर ठाकुर जी को पधराओ, ठाकुर जी को घर के साथ जोड़ो, परिवार ठाकुर जी घर में पधराओ, परिवार को ठाकुर जी के साथ जोड़ दो, ये सर्व त्याग है, सर्व वस्तु समर्पणम। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, एक आध प्रश्न को समाधान करके आज के इस सत्संग संवाद से समाधान की यात्रा को अपन विराम लेंगे और इसको आग्रह रखेंगे कि जो भी प्रश्न हैं आगे आगे जैसे जैसे सत्संग के क्रम में अपन मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे अपन ये प्रश्न इनको समाधान लेते रहेंगे। एक वैष्णव को सुंदर प्रश्न है कि श्री गिरिराज जी के तीन स्वरूप हैं, श्रीनाथ चरितामृत में उन्हें कहीं श्रवण वर्णन आवे है कि गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में नौवें अध्याय में छोटे छोटे प्रश्न लिखो करो, श्री गिरिराज जी को महात्म्य वर्णन है, श्री गिरिराज जी के तीन स्वरूप हैं, आदि देविक स्वरूप, श्री गिरिराज जी नित्य लीला में हैं, वो आध्यात्मिक स्वरूप जो हैं सदा सर्वदा गोलोक धाम में हैं, आदि भौतिक जो स्वरूप है वो ब्रज मंडल में है। तो इनको ये प्रश्न है कि ये गोलोक धाम और नित्य लीला ये क्या है, तो प्रश्न इतनो बड़ो है लेकिन जवाब थोड़ा छोटो है। गोलोक धाम और नित्य लीला अलग नहीं है। देखो यहां में इन्हें जो सुंदर श्री गिरिराज जी के जो अपने वर्णन मिले हैं कि तीन स्वरूप हैं, श्री गिरिराज जी को आदि देविक जो स्वरूप है हरिदास वर्य जो नित्य लीला में है, ध्यान दो, श्री गिरिराज जी को आध्यात्मिक जो स्वरूप है महात्म्य स्वरूप जो गोलोक धाम में है, और श्री गिरिराज जी को आदि भौतिक जो स्वरूप है जो आके अपन दर्शन कर रहे हैं ब्रज मंडल में विराज रहे हो। अब इनको मन में ऐसी शंका है कि गोलोक धाम और नित्य लीला अलग है, गोलोक धाम में जो श्री ठाकुर जी कर रहे हैं जहां लीलाएं चल रही हैं वही नित्य लीला है, नित्य लीला कोई स्थान नहीं है, पर जो ठाकुर जी जो कर रहे हैं कहां कर रहे हैं, तो गोलोक धाम में क्या कर रहे हैं, तो नित्य लीला कर रहे हैं। अब नित्य लीला में श्री हरिदास वर्य एक श्री गिरिराज जी को स्वरूप है, नित्य लीला में श्री गिरिराज जी कौन है, हरिदास वर्य है, दास भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। गोलोक में श्री गिरिराज जी को प्रागट्य महात्म्य स्वरूप पर्वत के पुत्र, वो जो गर्ग संहिता में गिरिराज खंड में जो प्रसंग आवे वो महात्म्य स्वरूप श्री गिरिराज जी को दूसरो स्वरूप है, और तीसरो आदि भौतिक जो अपन दर्शन करें हैं। तो प्रश्न को समाधान यही है कि गोलोक धाम में जो ठाकुर करें वो नित्य लीला है, वो नित्य लीला और गोलोक धाम को अलग अलग कोई स्थान नहीं है। गुरु प्रसन्न कैसे होए, एक वैष्णव को प्रश्न है, गुरु की आज्ञा को पालन करो गुरु प्रसन्न। वैसे एक कहवत है कि गुरु की अगाड़ी और गधा की पिछाड़ी नहीं रहनो, ब्रज में ऐसी कहवत है कि गुरु की अगाड़ी और गधा की पिछाड़ी दोनों ही खराब है, तो गुरु जैसे कहें क्योंकि वो गुरु हैं लघु नहीं है, तो जैसे गुरु आज्ञा करें वो आज्ञा को हम पालन कर सकें, गुरु उनकी ही कृपा से, तो गुरु को प्रसन्नता है। हमारे श्री रमण प्रभु के ये वचन हैं
उनको भी ऐसा ही प्रश्न कोई ने पूछो तो रमन प्रभु ने भी यही उत्तर दियो कि हमको कोई करोड़न रूपा धरे तो हमको प्रसन्नता नहीं हो, लेकिन हमारो अनन्य बन के रहे, हमारी आज्ञा को पालन करे तो हमको प्रसन्नता हो। तो बड़ो सुंदर ये प्रश्न है, आचमन को जल ले सके, हाँ ले सके हैं। एक प्रश्न छेलो प्रश्न ले ले मैं कि जीव आत्म संबंध को जानता है फिर देह संबंध में आसक्त क्यों रहता है। एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीव आत्म संबंध को जानता है और फिर देह संबंध में आसक्त क्यों रहता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि यही हमारा अज्ञान है कि हम आत्म संबंध को जाने हैं। जो हम जानते तो फिर देह संबंध में फंसते नहीं, उलझते नहीं। तो पहले तो ये पक्को कर लो कि हम जाने हैं कि नहीं जाने हैं, और जब जान जाएंगे तो ये बात को समझ जाएंगे कि भाई देह संबंध से देव संबंध जो है वो बड़ो है। जब पहलो प्रश्न जहां से हमने प्रारंभ कियो थो ये संवाद की यात्रा को, वहीं पे विराम करें कि जो देह संबंध और देव संबंध, एक है आत्म संबंध और एक है देह संबंध, देह संबंध से परिजनों देव संबंध बड़ो है। तो बस यही बात को चिंतन करते करते जो जो वैष्णव ने बड़ो परिश्रम लेके कहीं से कागज ढूंढियो, कहीं से पेन ढूंढी और एक आसन पे बैठे, बहुत दिमाग लगायो, इतनो परिश्रम लेके जो प्रश्न भेजे हैं उन सबन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपको परिश्रम सही में बड़ो ही हमको हृदय में स्पर्श भयो है। इतने इतने प्रश्न को देख के, आप सबन की जिज्ञासा इनको देख के मोको भी बहुत जानवे को मिलो है, और कई बार अच्छो भी है प्रश्न होनो, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा प्रश्न होनो भी अच्छो नहीं। तो बस ऐसे ही आप सबन की जिज्ञासाएं जो भी कछु होए आप सब भेजते रहो। देखो कागज और पेन में लिख के आप भेजो अच्छे अक्षर से संक्षिप्त में, तो जरूर अपन ये संवाद से समाधान की जो यात्रा करेंगे आगे भी तो हमें समाधान लाएंगे। रिकॉर्डिंग करके के फिर कछु व्हाट्सएप पे ही टाइप करके मत भेजो, कछु कागज में भेजो तो हम बाकी प्रिंट निकाल के ऐसे इशू रख के, तो थोड़ो इतनो परिश्रम आप सब लीजो। तो जो जो वैष्णव ने ये सब प्रश्न भेजे हैं उन सबन के लिए खूब खूब पुनः पुनः शुभ भाव, और जो भी वैष्णव ये सत्संग यात्रा ये पुष्टि मंथन सत्संग सभा में शनिवार शनिवार को आ जाएं, तो उन सबन के लिए हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करते भाई। बस ऐसे ही ऐसे अधिक से अधिक वैष्णव ये सत्संग को लाभ लेते रहें, क्योंकि सत्संग ही परम लाभ है वैष्णवी जीवन को। सर्वेशाम परमो लाभ हो वैष्णवानाम समागम, कि हमारे वैष्णवी जीवन को ये परम लाभ जो है कि बस ये सत्संग में हरि गुरु और वैष्णव को मिलनो, सत्संग में जुड़नो। तो बस यही आप सत्संग अधिक से अधिक आप वैष्णव तक पहुंचाए हैं। जो भी वैष्णव आपके परिचित हैं उन सभी वैष्णवों से आप ये सत्संग सभा की वार्ता करें, और अधिक से अधिक वैष्णव में ये सत्संग पहुंचावें, अधिक से अधिक वैष्णव को जोड़ें। यही भावना के साथ आप सबन को आगामी जो भी उत्सव आ रहे हैं, देखो अभी पुष्टिधाम हवेली में भी कई उत्सव कल से प्रारंभ होंगे, नाव को मनोरथ, कल गंगा दशहरा है, जो भी वैष्णव के वहां श्री ठाकुर जी विराजते हो, मैं आप सबन को अवश्य कहूंगा कि भले छोटी सी हुए नाव, छोटी सी एक यमुना जी को जल भर के, और भले जैसे वार्ता प्रसंग में तो आवे के श्रीहस्त में डोल झुलायो तो कछु नहीं मिले तो ठाकुर जी को अपने हाथ में पधरा के भी वो नाव को भाव कर लीजो। वार्ता प्रसंग में तो आवे के भाई कछु नहीं हो तो ठाकुर जी को दो हाथ में पधरा के वो डोल झुलाए। तो बस ये हमारे जो हाथ है वो नौका जैसे ही है,
ठाकुर जी को पधरा के बस भाव ये करियो कि ठाकुर जी को यमुना जी में नौका विहार कर रहे हैं। तो नित्य अभी तो उष्णकालीन मनोरथ कल से प्रारंभ अपने कुशी धाम में भी हो रहे हैं। गंगा दशमी को नाव को, कमल तलाई को, मनोरथ हुए को, खस खाना मोती के बंगला को हुए को, और फिर 25 तारीख को आम्र कुंज आंबा को मनोरथ भी, स्नान यात्रा को भी दिन है, बड़ो दिन है। तो वादिन आमा को आम को मनोरथ हुए को, तो जो भी सूरत के जो वैष्णव हैं, क्योंकि अभी दर्शन बंद थे तो पूज्य दादाजी की आज्ञा से कल से दर्शन को भी प्रारंभ हो रहे है। खुशी राम के दर्शन भी प्रारंभ हो रहे हैं, रसिया प्रभु दर्शन भी देंगे। पिछले 2-3 महीना से ये दर्शन बंद थे और थोड़ा अपना कार्य भी रिनोवेशन को भी चल रहे हो तो या वजह से भी बंद थे और थोड़ी परिस्थिति के अनुसार भी बंद थे। तो कल से रसिया प्रभु, तो जो भी सूरत के वैष्णव हैं वो अवश्य कल रसिया प्रभु के नाव के मनोरथ के दर्शन करवे, अवश्य खुशीधाम आवे, दर्शन को लाभ लेवे। और बस अधिक समय न लेते हुए जो जो प्रश्न रह गए हैं उनको मैं प्रयत्न करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको लिख के भी उनको समाधान करूं। बस यही बात के साथ मैं अपने वाक पुष्प श्री वल्लभ के युगल चरणार्विंद में, श्री यमुना जी के युगल चरणार्विंद में, श्री गोपाल प्रभु के युगल चरणार्विंद में समर्पित करूं। बोलो श्री वल्लभ श्री राय प्यारे की जय। श्री पुष्टिधाम हवेली द्वारा आयोजित श्री पुष्टि मंथन सत्संग सभा में उपस्थित आप सर्वे वैष्णव नु हार्दिक स्वागत छे। आवता शनिवारे पण आप सब हाजर रहेशो। विशेष आप सबने जे जे श्रीना दंडवत प्रणाम नो पण लाभ प्राप्त थशे। तो भावेश भाई सावलिया ने विनंती करीश कि तेवो हाजर रहेला बधा ज वैष्णव ने अनम्यूट करी दंडवत प्रणाम नो लाभ आपशे। दंडवत प्रणाम जे जे। जय श्री दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय श्री दंडवत प्रणाम जे जे। दंडवत प्रणाम जय जय। अभी बोल सको बा आया तनी आयो जय जय। चरण के रो
वल्लभ नक चंद्र चटा बिन सब जग माज अधेरो दृढ़ चरण केरो भरोसो दृढ़ चरण केरो साधन और नहीं आ कली में जासो होत निबेरो साधन और नहीं आ कली में जासो होत निबेरो सुर कहा कही दुबिद दृढ़ चरण के रो दृढ़ चरण के रो भरोसो दृढ़ चरण के रो।